दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के फरवरी 2022 में ऑक्शन के हिसाब से चेन्नई सुपर किंग की खिलाड़ियों की लिस्ट सालाना सैलरी के साथ इस प्रकार है। रविंद्र जडेजा 16 करोड़, एमएस धोनी 12 करोड़, मोइन अली 8 करोड़, ऋतुराज गायकवाड़ 6 करोड़, रॉबिन उथप्पा 2 करोड़, ड्वेन ब्रावो 4.40 करोड़, अंबती रायडू 6.75 करोड़, दीपक चहर 14 करोड़, केएम आसिफ 20 लाख, तुषार देश पांडे 20 लाख, शिवम दुबे 3.40 करोड़, महेश तीक्ष्णा 70 लाख, राजवर्धन 1.50 करोड़, सिमरनजीत सिंह 20 लाख, डेवन कॉनवे 1 करोड़, ड्वेन प्रेटोरियस 50 लाख, मिशेल सेंटनर 1.9 करोड़, एडम मिलने 1.9 करोड़, शुभ्रांशु सेनापति 20 लाख, प्रशांत सोलंकी 1.2 करोड़, मुकेश चौधरी 20 लाख, के हरी श्रीनाथ 20 लाख, एन नागदीसन 20 लाख, क्रिस जॉर्डन 3.60 करोड़ और के भरत वर्मा 20 लाख। दोस्तों ये थी चेन्नई सुपर किंग की 2022 आईपीएल खिलाड़ियों की लिस्ट उनके सालाना सैलरी के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ियों की लिस्ट सालाना सैलरी के साथ इस प्रकार है। विराट कोहली 15 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल 11 करोड़, मोहम्मद सिराज 7 करोड़, फैब डुप्लेसिस 7 करोड़, हर्षल पटेल 10.75 करोड़, वानिंदु हसरंगा 10.75 करोड़, दिनेश कार्तिक 5.50 करोड़, जोस हेजलवुड 7.75 करोड़, शहबाज अहमद 2.4 करोड़, अनुज रावत 3.4 करोड़, आकाशदीप 20 लाख, महिपाल रोमरोर 95 लाख, फिन एलन 75 लाख, सरफेन रूथरफोर्ड 1 करोड़, जेसन वेरेंड्रॉफ 75 लाख, सुयस प्रभुदेसाई 30 लाख, चामा मिलिंड 75 लाख, अनीश्वर गौतम 20 लाख, करण शर्मा 50 लाख, सिद्धार्थ कौल 75 लाख, लवनीत सिसोदिया 20 लाख, डेविड विली 2 करोड़। दोस्तों ये थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की 2022 आईपीएल खिलाड़ियों की लिस्ट उनकी सालाना सैलरी के साथ। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये खिलाड़ी यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, टीमों की नीलामी किस तरह होती है, टीमों के मालिक कैसे बनते हैं या आईपीएल क्या है, ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए अलग से वीडियो है व्हाट इज़ आईपीएल के नाम से, और खिलाड़ी की नीलामी यानी मेगा ऑक्शन और मिनी ऑक्शन कैसे होता है पूरा प्रोसेस जानने के लिए, इसके लिए भी अलग से वीडियो है आईपीएल ऑक्शन के नाम से। ये दोनों वीडियो आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।